भोपाल में शुक्रवार से 75 केंद्रों में 18 साल से अधिक उम्र वालों को कोरोना रोधी टीके की सतर्कता डोज लगाने की शुरुआत हो गई है। अगर टीका लगवाना चाहते हैं तो एम्स, जेपी, हमीदिया, सरकारी आयुर्वेद, होम्योपैथिक और यूनानी कॉलेज के अलावा गैस राहत अस्पताल में जा सकते हैं। कोलार और गांधीनगर सीएससी और अन्य पीएससी में भी टीका लगाया जाएगा। बूस्टर डोज लगाने का अभियान 25 सितंबर तक चलेगा। भोपाल में करीब 18 लाख लोगों को बूस्टर डोज लगाई जानी है। राजधानी भोपाल के जयप्रकाश अस्पताल में सुबह से ही लोग बूस्टर डोज लगवाने पहुंचे। सीएमएचओ डॉक्टर प्रभाकर तिवारी का कहना है कि यह अभियान 25 सितंबर तक चलाया जाएगा। लोगों से अपील है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बूस्टर डोज लगवाएं। शासन ने घोषणा की है कि 18 साल से अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं उनको अभी तक पेड सीवीसीज में प्रिकॉशन डोज लगाई जा रही थी और अब जो है वो फ्री कर दी गई है, तो उसकी पूरी तैयारियां हमारे द्वारा कर दी गई है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा घोषणा की गई है कि ये 75 दिनों तक लगाई जाएगी, हमने भी भोपाल में 75 स्थान इसके लिए चिन्हित किए हैं जहां पर पूरी तैयारियां की जा रही है और वहां पर दोनों तरीके से यानी कि ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन और प्री बुकिंग के आधार पर हमारे नागरिक बंधु मुफ्त वैक्सीन का लाभ उठा सकते हैं। और मेरा अनुरोध भी रहेगा सभी नागरिक बंधुओं से कि वे सरकार द्वारा प्रदाय की जा रही इस मुफ्त सेवा का जरूर लाभ उठाएं और अपने को, स्वयं को और अपने परिवार को सुरक्षित